मैं और बारिश हुई है तो अभी दो केचुए हमने उठा के गमले में डाले। तो और भी देखते हैं, ये देखिए, एक तो इसकी हालत मर ही गया है, तो ये तो मर गया। ये देखिए, ये भी जिंदा है, छोटा बच्चा भी मर गया। हो गर्मी से मर जाते हैं, मैं इसको इसमें डाल दे रहा हूँ, देखो। यहाँ पे बहुत सारे होंगे अभी, केचुए बहुत हो गए हैं, एकदम भयंकर हैं। थोड़ा सा भी पानी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इनको नखरे आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से निकल जाते हैं, क्यारी में से निकल जाते हैं या गमले में से निकल जाते हैं, कहीं से तो निकल जाते हैं। अभी गमले हटाएंगे ना, ये जो गमले पड़े हुए हैं साइड में, उन्हीं के आसपास में ये घूमते रहते हैं। जो बाहर घूमते रहते हैं वो तो दिन की धूप में चित्त हो जाते हैं। देखते हैं, कोई गमला भी हटा के देखते हैं, इसको तो नहीं हटाएंगे, बहुत हैवी है ये वाला। देखते हैं, इसके पास यहाँ पे रहते हैं ज़्यादा, यहाँ पे तो चलो भी नहीं दिख रहा, अच्छी बात है। वो देखो, उधर एक टहल रहा था, मिला का आइडिया ये था कि केचुए जो है, जब बारिश होती है तो आप छत पे टेरेस करते हो और ऑर्गेनिक पूरा कर रहे हो ना, जो है ये मॉडल फॉलो कर रहे हो कि आप फैक्ट्री बना रखी हो। ये देखिए, सब मर गए हैं सभी यहाँ पे, तो आपको हो सकता है ये बैड भी लगे और टच करने का मन भी ना करे, क्योंकि अगर ऐसे पड़ के रहते हैं और क्लीनिंग वगैरह नहीं होती है तो स्मेल भी आता है। तो जस्ट हम इसका बैड साइड बता रहे हैं अभी, और ये गुड साइड हमारे लिए इसलिए है कि भाई बहुत सारे हो गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार वॉश करो पूरा गंध वंध चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर ये मरेंगे तभी बदबू करते हैं, जिंदा रहेंगे तो नहीं करते हैं। तो कुल मिला के वो जो जिंदा निकलते हैं और मर जाते हैं तो वो बदबू करने लगते हैं। तुम्हारे सॉइल में जो है, देखो, कभी बदबू नहीं करेंगे, इवन सॉइल तुम्हारी, उसका स्मेल अच्छा आएगा। तो ये देखो, अब मरे हुए हैं, सब मर गए हैं। मैं दिन में रहता नहीं हूँ ना, ये निकल के चिल कर जाते हैं, मर जाते हैं। अब इतना ज़्यादा हो गए हैं कि हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इनको मरते रहते हैं। लेकिन वही है कि ये देखो इधर, ये चाचा, नहीं, ये तो लकड़ी है। तो ये है, देखो अभी सिचुएशन ये है, देखो बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश में प्लांट्स का जो है ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, उसमें हम केचुए और कोकोपम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि यूजली फर्टिलाइज़र भी जो है कम ही देना होता है आपको, नहीं तो वेस्ट ही हो जाएगा कुल मिला के। क्योंकि अभी क्या है, पानी पूरा लीक हो रहा है, आई मीन बारिश एकदम हुई है, पूरा सेट है वाटर, तो इसमें कोई लिक्विड वाटर देना नहीं है। फर्टिलाइज़र अगर आपका थोड़ा सा ग्रोथ स्लो है, हाँ, आप डालते रहिए गोकोपम वगैरह, लेकिन फर्टिलाइज़र आप जो मार्केट से लाके डालते हो, बारिश में थोड़ा अवॉइड करो। इवन आप नेचुरल नहीं कर रहे हो, ऑर्गेनिक टाइप का कर रहे हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि आप क्या करते हो, डालते हो गमले में, वास होके निकल जाएगा, तो उसका वैल्यू नहीं मिल पाएगा आपको। तो ये है हमारा अभी टेरेस, देखो पूरा हरा भरा हो गया है फिलहाल अभी। बाप रे, ये तो हमने एक्चुअली यहाँ से सोचा था इस बार हम तुरई ये बिल्कुल नहीं लेंगे, ये देखो ऊपर भी है लगा हुआ, सोचा था हमने एक भी पेड़ नहीं रखेंगे, और पता नहीं एक इसका पेड़ भी कहाँ पे है मुझे नहीं पता है, लेकिन कैरी में ही तो काफ़ी आ गया। जब से हम आए हैं अभी एक हफ्ता हुआ, कितना, तीन हार्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, एक हफ्ते में तीन हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के लिए देखो ये भी अब रेडी हो जाएगा, एक एनफ होता है हमारे लिए, और ये भी रेडी हो जाएगा सिर्फ एक दिन में रेडी हो जाएगा, और 2 दिन में थोड़ा भयंकर बड़ा हो जाएगा, ये मान के चलो।
तो आई थिंक एक ही एनफ है। ये देखो भंवरा हमारा पॉलिनेटर, ये देखो दो भंवरे हैं, ये भना भन घूम रहे हैं, फटाफट पॉलिनेट कर दे रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है हमको पॉलिनेशन वगैरह का। तो अब पता नहीं इन्वायरमेंट का क्या बोल सकते हैं, कि इन्वायरमेंट अच्छा हो गया है इस वजह से लोग आ गए हैं, और यहीं पे रहता है बम्बू है ना, इसी के अंदर में, होल के अंदर में रहता है वो। तो पॉलिनेट भयंकर हो जाते हैं जिससे तुम्हारा ये सब है करेला वगैरह, पहले बहुत दिक्कत होता था। ये तुम्हारा ये हमारा एक ये वाला इधर वाला था बहुत दिनों तक, इस जो है बहुत दिनों तक यहाँ पे हमारा एक रिज गार्ड है, ये वाला हाँ इस टाइप वाला, तो बहुत दिनों तक ये फला नहीं था। बाप रे, तो ये भी आ गया। और उसके बाद पॉलिनेटर, मतलब पॉलिनेटर की ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि क्या है कि फ्रूट आ रहे थे छोटे छोटे और तब मर रहे थे, फ्रूट पूरा ब्रांचेज में आ रहे थे, फुल 3G 4G कटिंग सब हमने कर दिया, फ्रूट आ रहे थे लेकिन मर जा रहे थे। तो मुझे मालूम था, तो एक मैंने दो चार में किया था हैंड पॉलिनेशन, तो वो आए और बाकी लेकिन मर ही जा रहे थे। तो उसके कुछ ही दिन बाद लगभग ये एक भौरा दिखा था मुझे, तो इसने स्टार्ट कर दिया अपना काम और हमारा काम हो गया, छूट छूट गया, क्योंकि ये पूरा काम एकदम इतना तेज़ी से करता है कि हमको बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, एक भी फ्लावर नहीं बचता, सब में पॉलिनेशन फटाफट फटाफट कर देता है। दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू शेयर टूडे।